अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग खैरियत से होंगे। जा रहे हैं लड़के को लाने जा रहे हैं इस टाइम पर, और हम आपको सीन दिखा देते हैं। तो मैं ये रोड पर जा रहा हूँ और आपको पूरा सीन दिखा रहा हूँ इधर से, क्योंकि खतरा बना रहता है यार वो वीडियो रोड की शूट करने में। आप लोग भी जानते होंगे कि कैमरे बहुत हैं, तो कैमरे की वजह से वीडियो शूट नहीं कर मिलता है, इसलिए मज़ा नहीं आता है रोड का। जो वीडियो शूटिंग करो फिर कहीं कैमरा आ गया और वीडियो चलती भी नहीं है, उसमें मज़ा नहीं आता है। फिर कैमरा आ जाएगा 300, 500, 700, 800 ऐसे ही आ जाएगा, फाइन आ जाएगा, तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तनख्वाह भी थोड़ी है और मुसीबत हो जाती है, क्या करें। बस आप लोग को दिखाने के लिए लगे रहते हैं कि कुछ दिखाएं आप लोगों को, तो ऐसा है जब वहाँ पे करीब में पहुँचेंगे ट्रैफिक दिख रही है। आज लगता है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी टाइम है अभी पहुँचने का, देखते हैं कितना टाइम लेट होता है कि फास्ट होता है। देर सब चीज़ का रहता है यार, जैसे नौकरी करते हैं क्या करें, बस नौकरी का तो हिसाब से अपने नौकरी पर ध्यान दो, जो अपना काम कर रहे हो उस काम पर ध्यान दो, बाकी कुछ पे भी ध्यान मत दो। काम कर रहे हो जिम्मेदारी से अपना काम करो, बाकी कोई समस्या इंशाल्लाह नहीं आएगा। ट्रैफिक है अभी हल्की और देखते हैं कि इससे ज़्यादा होगा तो 2-3 मिनट ब्रिज जो दिख रही, ब्रिज के नीचे से जाना होगा और गाड़ियाँ जाम लगी हुई है, जाम है, और मैं भी साइड से किनारे से लगा देता हूँ गाड़ी, क्योंकि ये लाइन चलती रहती है। देखिए गाड़ी, ये मेट्रो की ब्रिज है, मेट्रो चलेगी इसके ऊपर चल रही है, लेकिन अभी मैं पब्लिक के लिए नहीं खोला था। ट्रैफिक है अभी सामने, हम फहद रोड पर आ चुके हैं और ऐसे थोड़ा थोड़ा हम आपको दिखाते रहेंगे और अपनी हर खबर। और जैसे आप लोगों को कोई सऊदी अरब के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसे सब पहुँच चुके हैं और देर नहीं हुआ है, 2-4 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं। और आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग भी कुछ बनने की कोशिश में लगे हैं, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें।